केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत। आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के पहली जो इकाई है, हिंदी भाषा और उसका उद्भव, हिंदी भाषा और उसका उद्भव को पढ़ते हुए समझेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार, दो परिवार हुए हैं, आर्य परिवार और दूसरा है द्रविड़ परिवार। तो आर्य परिवार के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी वह आर्य भाषा उत्तर भारत की भाषा है, उत्तर भारत की आर्य परिवार के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है वह द्राविड़ कहलाती थी। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है वह द्राविड़ परिवार के द्वारा बोली जाती थी द्रविड़ क्षेत्र में। तो उत्तर भारत की भाषा आर्य परिवार के द्वारा, दक्षिण भारत की भाषा दक्षिण परिवार के द्वारा, और उत्तर भारत की जो आर्य भाषा है उसका संबंध संस्कृत से था। उत्तर भारत की आर्य भाषा है, आर्य भाषा का संबंध प्राचीन संस्कृत से था, और हिंदी है वह संस्कृत की क्या है, उत्तराधिकारिणी है। हिंदी भाषा यानी प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। अब संस्कृत जिसका प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत की सबसे प्राचीन भाषा है, और जिसका प्राचीनतम रूप है हमें संस्कृत के ऋग्वेद ग्रंथ में देखने को मिलता है। हिंदी एक प्राचीन संस्कृत भाषा की एक उत्तराधिकारिणी है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया है। प्राचीन भारतीय आर्य काल की भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो प्राचीन भारतीय आर्य का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, निम्न भारतीय आर्य भाषा जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रहे, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय 1000 ईसा पूर्व से अब तक है। तो प्राचीन हिंदी भाषा का जो उद्भव है यानी दो उत्तर भारत के द्वारा बोली जाने वाली भाषा आर्य भाषा थी। आर्य भाषा का जो संबंध है वह प्राचीन संस्कृत से रहा है, और प्राचीन संस्कृत की भाषा है जो ऋग्वेद, प्राचीन संस्कृत का संबंध ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद की उत्तराधिकारिणी यानी इसी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी क्या है, हिंदी है। दक्षिण भारतीयों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा द्राविड़ परिवार के द्वारा बोली जाती है। दक्षिण में द्राविड़ परिवार के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो भारतीय आर्य भाषा को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, निम्न भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसवी से लगाकर 1000 ईसवी तक। आधुनिक भारतीय काल का समय 500 ईसवी से लगाकर 1000 ईसवी तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत एक तो वैदिक संस्कृत है, दूसरी लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, और संस्कृत को वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत
दो भाषाएं हैं, वेद ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद इसका संबंध वैदिक संस्कृत से है। चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इसी काल की रचनाएं वैदिक संस्कृत की, इनमें भाषा का एक रूप नहीं मिलता। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखी गई, इस काल की भाषा योगात्मक थी। अब संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में चारों वेद ब्राह्मण उपनिषद आदि लिखी गई, लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। लौकिक संस्कृत की भाषा एक योगात्मक थी जिसमें धातु रूप सुरक्षित था। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चिंत नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। मध्य भारतीय आर्य भाषा में तीन भाषाएं विकसित हुई है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत में ब्राह्मण उपनिषद चारों वेद लिखे गए। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत को लिखा गया जिसमें भाषा का युगात्मक रूप, संगीतात्मक रूप और पदों का स्थान निश्चित था। तत्सम शब्दों की अधिकता थी। मध्य भारतीय आर्य भाषा को तीन भागों में बांटा गया है, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा का समय 1 ईस्वी से लगाकर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी और अपभ्रंश भाषा का समय 500 से 1000 ईस्वी तक। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा को तीन भागों में बांटा गया, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से लगाकर 1 ईस्वी तक और प्राकृत का 1 ईस्वी से लगाकर 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश भाषा का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा का दूसरा नाम मागधी भाषा भी है और इसमें बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य इस भाषा में लिखा गया। बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया? पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया। अब बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए, जिसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया और बौद्ध साहित्य में यानी त्रिपिटकों की रचना भी पाली भाषा में हुई जिसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। पाली भाषा का समय था 500 ईसा पूर्व से लगाकर 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी। फिर पाली के बाद प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। अब ये सामान्य बोलचाल की भाषा थी इसीलिए ये पंडितों में प्रचलित नहीं थी और संस्कृत के अधम पात्र है वह इस भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। जैन साहित्य अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखा गया। जितना भी जैन साहित्य है वह प्राकृत भाषा में लिखा गया और प्राकृत भाषा के प्रमुख 5 भेद हैं। प्राकृत के कितने भेद हैं? कुल 5 भेद हैं। प्राकृत भाषा का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखा गया। संस्कृत के अधम पात्र इस भाषा का प्रयोग करते थे। अब प्राकृत भाषा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला सोर्स यानी प्राकृत, पेशासी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। तो
प्राकृत भाषा के पांच भेद हैं, सुर सैनिक प्राकृत, सुर सैनिक के बाद पेशासी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत और मागधी प्राकृत। सुर सैनी एक जनपद हुआ है जिसमें मथुरा जनपद के आसपास का क्षेत्र है, मथुरा आगरा और राजस्थान का धौलपुर भी सुरसेन के अंतर्गत आता है। तो सुरसेन जनपद में मथुरा या सुरसेन जनपद में बोली जाती है। अब ये मथुरा के आसपास मध्य भारत की भाषा है, मध्य भारत की भाषा सुरसेनी प्राकृत भाषा जो मथुरा के आसपास बोली जाती है, इसे मध्य देश की बोली भी कहा जाता है। सुरसेनी अपभ्रंश, सुरसेनी अपभ्रंश नहीं, सुरसेनी प्राकृत। तो प्राकृत भाषा के पांच भेद होते हैं, पहला सुरसेनी प्राकृत। सुरसेनी प्राकृत मथुरा और उसके आसपास के जनपद में बोली जाती है, आगरा मथुरा, और ये मध्य देश की एक बोली है। फिर है पेशासी प्राकृत। पेशासी प्राकृत है वह कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, उत्तर पश्चिमी कश्मीर के आसपास की भाषा है पेशासी प्राकृत। महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा का उद्भव महाराष्ट्र राज्य में हुआ, इसका मूलतः तो स्थान महाराष्ट्र था। अर्धमागधी प्राकृत ये मागधी और सुरसेनी जनपद के बीच में बोली जाने वाली भाषा है। अर्धमागधी प्राकृत ये मागधी व सुरसेनी के बीच में बोली जाने वाली भाषा है। मागधी प्राकृत ये मगध के आसपास में प्रचलित है। तो प्राकृत भाषा के पांच भेद है, सुरसेनी प्राकृत जो सुरसेन जनपद में बोली जाती है, सुरसेनी प्राकृत के बाद पेशासी प्राकृत जो कश्मीर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वह प्राकृत पेशासी है। फिर प्राकृत पेशासी के बाद महाराष्ट्री प्राकृत है, इसका उद्भव महाराष्ट्र में हुआ। फिर अर्धमागधी ये मगध और सुरसेन के बीच में बोली जाने वाली भाषा, और मागधी प्राकृत है वो मगध क्षेत्र में प्रचलित है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश भाषा हिंदी का जो बिगड़ा हुआ रूप है, हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप। अपभ्रंश का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ। अपभ्रंश का प्रयोग 500 से 1000 ईस्वी तक। पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक यह प्रचलित है। इसी भाषा को आप अवहट और अवहत्य, देश भाषा, देसी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। यानी अपभ्रंश भाषा के अनेक नाम है, जिसे देश भाषा, देसी भाषा, अवहट भाषा आदि नामों से इसे जाना जाता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है, भाषा है वह सुसंस्कृत न रहकर सामान्य रूप हो जाता है, तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है। भाषा का रूप सुसंस्कृत न होकर सामान्य बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है, तो वह पंडितों की दृष्टि में बिगड़ी हुई मानी जाती है, और तब वे उसे अपभ्रंश की संख्या देते हैं। अपभ्रंश हिंदी का बिगड़ा रूप है। समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ये सुसंस्कृत भाषा नहीं है, क्योंकि ये सामान्य बोलचाल की भाषा है और पंडितों की दृष्टि से जिसका अर्थ होता है बिगड़ी हुई भाषा। अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ, इस संबंध में तीन प्रमुख मत हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की एक पुस्तक है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में इन्होंने अपभ्रंश भाषा का जो समय है वह 700 ईस्वी बताया। अपभ्रंश भाषा का समय 700 ईस्वी माना है।
डॉक्टर उदय शंकर उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वह 700 ईस्वी से बताया है। वही नामवर सिंह ने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, नामवर सिंह की पुस्तक है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में भी इन्होंने अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वह 700 ईस्वी से बताया है। तो उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जो समय है वो 700 ईस्वी बताया है। नामवर सिंह ने भी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान इनकी पुस्तक है जिसमें अपभ्रंश का समय है 700 ईस्वी बताया है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक में भी हुआ है। विक्रमोर्वशीय में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया। छठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य बामन ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्य उपयोगी भाषा बताया। तो अपभ्रंश हिंदी भाषा के मुख्यतः तीन रूप बताए गए प्रारंभ में, यानी प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा, और मध्य आर्य भाषा के बाद में सबसे अंतिम बिंदु था आधुनिक आर्य भाषा। तो प्राचीन आर्य भाषा जिसमें वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए और उपनिषद लिखे गए, लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखी गई। फिर उसके बाद निम्न भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीन भाषा के रूप देखने को मिलते हैं। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया और प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखा गया। अपभ्रंश भाषा हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है, जो संस्कृत के जो सामान्यतः सुसंस्कृत विद्वानों की भाषा थी, ठीक है, पंडितों ने इसका उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसे बिगड़ी हुई भाषा मानते थे। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार इसका विकास 700 ईस्वी से बताया है, और नामवर सिंह ने भी अपभ्रंश भाषा का विकास है वह 700 ईस्वी से बताया है। अब अपभ्रंश भाषा के भी पांच भेद हैं। अपभ्रंश के कितने भेद हैं? पांच भेद हैं, उसे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।